हाय एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं पी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर 03 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनन कंपाउंड। स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी आज मैं जेनन कंपाउंड लिखूँगा बोर्ड पे, वो सारे के सारे मैं स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन आज पूरा डीप में बताऊँगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर 02 में मैंने डिस्कस किया था कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, उसमें मैंने कुछ रिएक्शन छोड़ दिए थे, उसको भी मैं आज एडअप करूँगा। आज का सेशन बहुत ही इंजॉयफुल होने वाला है, तो प्लीज़ गाइज आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा कि मैंने बोला था कि कुछ रिएक्शन बच चुके हैं, वो रिएक्शन मैं कवरअप करा दूंगा, देन आफ्टर मैं जेनन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आप लोगों को सिखा दूंगा। तो चलिए पहले मैं एडिशन रिएक्शन कुछ हैं जेनन कंपाउंड के, वो मैं कर लेता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन नोट डाउन कीजिएगा, जितना भी मैं आज लिखवाऊँ आप लोग सारा नोट डाउन कीजिएगा। एडिशन रिएक्शन कुछ एडिशन रिएक्शन है जेनन कंपाउंड के जो छूट गए थे प्रीवियस क्लासेस में, वो मैं कवरअप करा दे रहा हूँ। तक ये जो है एडिशन रिएक्शन, जितने भी एडिशन रिएक्शन मैं आज कराने वाला हूँ अभी, वो जेई और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये एडिशन रिएक्शन अच्छी तरह से समझ ले। तो चलिए समझते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जेनन के फ्लोराइड लेविस एसिड होते हैं या लेविस बेस? आप लोग जरा सोचिए, क्या जेनन के फ्लोराइड लेविस एसिड होते हैं या लेविस बेस? जैसे कि जेनन फ्लोराइड XCF2, XCF4, XCF6, क्या ये लेविस एसिड होते हैं या लेविस बेस? आप लोग सोच के बताइए, सोचिए। तब तक मैं भी सोचता हूँ, मैं तो जानता ही हूँ, बट मैं बताऊँगा। चलिए तो आप लोग सोच लिए। तो जेनन के फ्लोराइड जो होते हैं लेविस एसिड भी होते हैं, लेविस बेस भी होते हैं। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, जेनन के फ्लोराइड जो होते हैं लेविस एसिड भी होते हैं और लेविस बेस भी होते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे कि जेनन के फ्लोराइड कौन कौन है, जेनन हेक्सा फ्लोराइड। अब बताइए जेनन फ्लोराइड, ये क्या मैंने बोला कि जेनन के जितने भी फ्लोराइड होते हैं वो लेविस एसिड भी होते हैं और लेविस बेस भी होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, क्या बोला मैंने, ये इसको लेविस बेस। देखिए जेनन फ्लोराइड जो होते हैं लेविस बेस होते हैं, ये क्या करते हैं, F- को डोनेट करते हैं। F- ये डोनर होता है, यानी कि फ्लोरीन जो होते हैं ये डोनेट करते हैं। सेम XCF4 भी फ्लोरीन को डोनेट करते हैं। XCF4 और XCF2 ये दोनों फ्लोरीन के डोनेट करते हैं, फ्लोरीन को डोनेट करते हैं। ये भी क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। जबकि XCF6 का खास बात ये है कि ये आपका फ्लोरीन डोनेट भी करता है और फ्लोरीन को एक्सेप्ट भी करता है, जिसके कारण XCF6 जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन दोनों के कंपेरिजन में, ये ज़्यादा रिएक्ट करना पसंद करता है। XCF6 क्या होते हैं, फ्लोरीन को ये डोनेट भी करते हैं, फ्लोरीन को ये एक्सेप्ट भी करते हैं, जिसके कारण ये आपका दोनों शो करता है, लेविस एसिड भी एंड लेविस बेस भी, दोनों शो करते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, XCF6 का खास बात ये है, ठीक है। और XCF2 क्या होता है, लेविस बेस होता है, वो -डोनेट करता है, जबकि XCF4 सेम लेविस बेस होता है, वो भी डोनेट ही करता है। जबकि XCF6 क्या होता है, डोनेट भी करता है -,
और एक्सेप्ट भी करता है, डैट्स वाई इसको हम लोग लेविस एसिड भी बोलते हैं और लेविस बेस भी बोलते हैं, और इसके कारण ये तुम्हारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन दोनों के कंपेरिजन में। हम लोग ये तीनों पढ़े थे ना पिछले क्लासेस में, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे डेराइव किए थे इसको HCF2 को, कैसे बनाए थे, जेनन का रिएक्शन हम लोग फ्लोरीन से कराए थे 1:1 रेशियो में तो ये मिला था, जबकि जेनन का रिएक्शन फ्लोरीन से ही कराए थे बट 1:5 रेशियो में तब ये मिला था, और ये कब मिला था, जब जेनन का रिएक्शन फ्लोरीन से कराए थे कितना रेशियो था 1:20 रेशियो, तब आपका ये मिला था जेनन हेक्सा फ्लोराइड। ये सब तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारी रिएक्शन कराए थे, कराई थी, सो आप लोग वो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है खास करके बोर्ड जेई और नीट के लिए, और ये जो आज मैं कराने वाला हूँ वो जेई और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद बोर्ड में भी आ सकते हैं बट कन्फर्म नहीं है, लेकिन जेई और नीट में आएंगे ही आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। सो आप लोग ध्यान से ये जितने भी आज मैं रिएक्शन लिखवाऊँ, इसका ज़्यादा नहीं है 7-8 रिएक्शन है, वो एक बार मैं आप लोगों को माइंड में मैं छाप दूंगा, ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक क्या, यही कंसेप्ट लगाएंगे हर में यही कंसेप्ट लगाएंगे, समझ गए। तो चलिए पहले HCF2 का स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, तो HCF2 का रिएक्शन लिखते हैं। HCF2 को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, तो देखिए क्या मैंने बोला, HCF2 क्या करता है, ये फ्लोरीन को डोनेट करता है, तो एक फ्लोरीन ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, तो क्या हो गया बताइए, HCF ये देखिए एक फ्लोरीन डोनेट किया, एक फ्लोरीन जब डोनेट करेगा तो एक ही फ्लोरीन ना बचेगा इसके पास, तो ये बेचारा तो गरीब हो गया, डोनेट किया तो गरीब हो गया, तो इस पर क्या चार्ज आया प्लस, और ये इसको दिया तो ये बेचारा अमीर हो गया, तो इस पर क्या हो जाएगा माइनस, ऐसे भी याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, IF6- कोई डाउट, देखिए समझे, ये एक फ्लोरीन क्या किया, इसको डोनेट कर दिया, क्योंकि HCF2 का खास बात क्या है, ये लेविस बेस होता है, ये फ्लोरीन को डोनेट करता है, तो ये फ्लोरीन को जब डोनेट किया तो पहले से इसके पास दो फ्लोरीन था, एक फ्लोरीन इसको दे दिया, तो ये बेचारा गरीब हो गया तो इसके पास क्या चार्ज हो जाएगा प्लस चार्ज, जबकि ये इसके पास क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि ये इसके पास फ्लोरीन चला गया, पहले से फ्लोरीन था बट और एक फ्लोरीन मिल गया, जिसके कारण इस पर क्या चार्ज हो जाएगा माइनस, यानी कि ये आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, आयन के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रिएक्शन आप लोग HCF2 का समझ गए, अब आते हैं HCF4 का रिएक्शन समझते हैं। अभी हम शुरू में सारे का हम लोग लेविस बेस का पहले लिख लेंगे, और लेविस एसिड तो मात्र यही करता है सो, तो इसका हम बाद में करेंगे, पहले इस सब का कर देते हैं लेविस बेस का, ठीक है। HCF4 का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, SbF5 से, SbF तो जानते हैं SB एंटीमोनी, तो HCF4 का रिएक्शन जब हम लोग SbF5 से कराएंगे तो क्या होगा, ये देखिए फ्लोरीन क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा कि भाई तुम ले लो एक फ्लोरीन, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं लेविस बेस हूँ, मैं फ्लोरीन को डोनेट करता हूँ, तो एक फ्लोरीन ये दे दिया, तो ये क्या हो गया HCF3 पे चार्ज क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा SbF6, देखिए फ्लोरीन 5 था, एक फ्लोरीन ये दे दिया, तो क्या हो गया SbF6-, ठीक, कोई दिक्कत। अब आते हैं एक और HCF4 का रिएक्शन देख लेते हैं। HCF4 का रिएक्शन जब हम लोग ऑस्मियम पेंटाफ्लोराइड से कराएंगे तो क्या होगा, सेम कंसेप्ट, एक फ्लोरीन ये क्या करेगा डोनेट कर देगा, तो ये पहले से 5 फ्लोरीन था, एक फ्लोरीन लेके और क्या हो जाएगा OSF6-, जबकि ये क्या हो जाए HCF3+, ठीक है, कोई डाउट, HCF3+, और ये क्या हो जाएगा OSF6-, कोई दिक्कत,
ये देखिए XEF4 का मैंने कंप्लीट कर दिया, अब XEF6 का देखते हैं। XEF6 जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिव बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो पहले मैं लेविस बेस का लिखता हूँ रिएक्शन, क्योंकि सारा सीक्वेंस वाइज मैंने लेविस बेस का लिखा है। सो पहले लेविस बेस का मैं लिखता हूँ, ये दोनों तो लेविस बेस करते हैं, ये एकमात्र क्या शो करता है, लेविस बेस भी और लेविस एसिड दोनों शो करता है। तो लेविस एसिड का मैं बाद में बताऊंगा, पहले सारा लेविस बेस का कर देता हूँ। तो इसका रिएक्शन हम लोग BF3 से कराते हैं, BF3 जो कि ये देखिए, ये रिएक्शन BF3 क्या होता है, रिएक्ट करना नहीं पसंद करता है, बट ये XEF6 जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी वजह से ये रिएक्शन शो करने लगता है। BF3 तो रिएक्शन शो नहीं करता है, तो इस कारण, इसके आ जाने के कारण ये रिएक्ट करना पसंद करता है। तो ये क्या हो जाएगा, XEF5, एक फ्लोरीन इसको दे दिए तो XEF5 नहीं हो जाएगा, XEF5 प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा BF4, एक फ्लोरीन दे दिए BF4 माइनस हो जाएगा, कोई डेड आउट नहीं होना चाहिए। और ये देखिए XEF क्या है, 6 प्लस जर्मीनियम, अब जर्मीनियम का ले लेते हैं F4 GEF4, तो क्या हो जाएगा ये आपका XE, ये देखिए एक एक फ्लोरीन इसको डोनेट कर दिया था, क्या हुआ XEF5 XEF5 पे चार्ज किया जाएगा प्लस, और इस पे चार्ज किया जाएगा GEF5 के पावर माइनस, ठीक है XEF5 जी जर्मेनियम F5 पे क्या चार्ज आ जाएगा माइनस। तो ये देखिए ये आपका हो गया, ये किसका था XEF2 का, ये आपका XEF2 का था, ये किसका था XEF4 का, ये किसका था XEF6 का, ठीक है ये XEF6 का था, ये XEF2 का, XEF4, XEF6, और ये सब क्या थे, सब के सब तुम्हारे एक माइनस डोनर थे। इसमें सब क्या हो रहा है, एफ माइनस डोनेट कर रहा है, एंड ये सारे के सारे क्या है, लेविस बेस है, सारे के सारे मैंने जितने भी कराए सब क्या है, लेविस बेस है, खास बात यही है इसका। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, सिंपल मैंने क्या किया, लेविस बेस का काम क्या था, यहाँ पे क्या बताया कि XEF2, XEF4 या XEF6 तीनों क्या है, लेविस बेस है, तीनों का काम क्या होता है, एफ माइनस को डोनेट करना, बट ये XEF6 जो है लेविस बेस भी है और लेविस एसिड भी है, इसका काम क्या होता है, डोनेट भी करना और एक्सेप्ट भी करना। तो पहले मैंने डोनेट वाला लिखा, सारे के सारे मैंने डोनेट वाला कराए, और एकमात्र जो XEF6 है वो एक्सेप्ट वाला भी बताऊंगा, ठीक है। तो काम क्या था तीनों का, ये F को डोनेट करना, तो सब में मैंने क्या किया है, F माइनस को डोनेट किया है। तो देखिए दो फ्लोरीन था तो एक फ्लोरीन इसको दे दिया तो क्या हो गया IF6 माइनस, ये देखिए चार फ्लोरीन था तो एक फ्लोरीन इसको दे दिया तो बन गया SbF6, और ये बन गया XEF3 पे प्लस चार्ज, जो दिया उस पर क्या चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज, जो लिया उस पर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस, दे रहा है यानी क्या हो गया, अमीर है पहले से ये लेविस बेस है और दे दिया तो बन गया अपने प्लस चार्ज, और जिसको दिया उस पर चार्ज क्या आ जाएगा माइनस, ये सब तो जानते होंगे आप लोग। ये देखिए चार था एक और दे दिए तो क्या हो गया XEF3 और OSF6, ठीक है ऑस्मियम हेक्सा फ्लोराइड, और ये BF3 XEF6, ये छः फ्लोरीन था एक फ्लोरीन दे दिया, ऐसे करके सब में यही कंसेप्ट लगाए हैं, सिंपल ये रिएक्शन है, आप लोगों को याद हो गया होगा आई थिंक, इतने अच्छे से मैंने समझा दिया, कुछ नहीं करना है, सिंपल जो लॉजिक है यहाँ पे, जो कंसेप्ट मैंने लिखवाया है ये जो है बहुत ही VVI है, ये आप लोग लिख लीजिए, कोई आपसे पूछेगा जीनन का फ्लोराइड क्या लेविस एसिड होता है या लेविस बेस होता है, तो आपने क्या बताना है कि ये दोनों शो करता है, लेविस बेस भी शो करता है, लेविस एसिड भी शो करता है, बता देना, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो
मैंने इतना दूर तक बता दिया, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो समझते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि ये लेविस एसिड की तरह भी वर्क करता है, जिसके कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, उसको भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो आपने बोला था सर कि HCF6 जो होते हैं लेविस एसिड के जैसा भी वर्क करते हैं, तो वो कैसे? तो आपको लेने होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के फ्लोराइड, वो भी बढ़िया वाला। तो जनरली हम लोग लेते हैं रूबिडियम और सीजियम फ्लोराइड, ताकि वो क्या होने लगे, वहाँ पे वर्क किस तरह करने लगे, लेविस एसिड के जैसा वर्क करने लगे। इसी कारण हम लोग जनरली लेते हैं रूबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। मस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमको लेना होगा, जिसके कारण ये लेविस एसिड के जैसा वर्क करने लगेगा। ठीक, तो याद रखिएगा, ऑलवेज आपको लेना है रूबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। जनरली हम लोग यही लेते हैं, सो आप लोग भी ले लीजिएगा। तो चलिए, इसका क्या हो जाएगा रिएक्शन, HCF6 का रिएक्शन हमको करा देना है रूबिडियम फ्लोराइड से। ठीक है, HCF6 का रिएक्शन रूबिडियम फ्लोराइड से कराएंगे, तो क्या हुआ, ये लेविस एसिड के जैसा वर्क करता है। यानी कि इस बार क्या होगा कि ये तुमको डोनेट करेगा, यानी कि ये एक्सेप्ट करेगा, HCF6 जो करेगा ये एक्सेप्ट करेगा। ये अभी क्या वर्क कर रहा है, ये लेविस एसिड के जैसा ये वर्क कर रहा है। सो डैट्स वाई ये आपका कैसा शो करेगा, ये लेविस एसिड के जैसा ये वर्क कर रहा है, डैट मीन्स ये एक्सेप्ट करेगा फ्लोरीन को। तो ये रूबिडियम फ्लोराइड जो होंगे ये फ्लोरीन अपना दे देंगे, और ये बन जाएगा HCF7 माइनस, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, Rb प्लस, यानी रूबिडियम प्लस चार्ज, इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज, और जबकि इस पे चार्ज क्या आ जाएगा HCF7 पे माइनस चार्ज। ठीक है, यह आ जाएगा। क्यों यहाँ पे हुआ, ये तुम्हारा रूबिडियम फ्लोराइड जो होंगे इसका फ्लोराइड ये डोनेट कर देगा, ये फ्लोरीन ये इसको दे देगा, क्योंकि HCF6 यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, तुम्हारा एक्सेप्टर यानी लेविस एसिड, यानी कि फ्लोरीन ये एक्सेप्ट करना पसंद करेगा। अब देखिए एक और ले लेते हैं, HCF6 का रिएक्शन जब सीजियम फ्लोराइड से कराएंगे, क्या मैंने बोला कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपको लेना है, डैट्स वाई उस टाइम आपको वर्क ये करने लगेगा, HCF6 जो वर्क करने लगेगा आपको लेविस एसिड जैसा वर्क करने लगेगा, डैट मीन्स ये फ्लोरीन को एक्सेप्ट करने लगेगा। तो ये बोलेगा फ्लोरीन तुम हमको दे दो, तो ये दे देगा इसको, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सीजियम प्लस चार्ज, और ये HCF7 माइनस चार्ज, सिंपल। तो ये इस बार क्या वर्क कर रहा है, लेविस एसिड के जैसा भी वर्क कर रहा है। लेविस एसिड मीन्स क्या होता है, फ्लोरीन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, इस बार ये फ्लोरीन को ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो कोई प्रॉब्लम, ये सारे रिएक्शन में तो सारे के सारे रिएक्शन में आसान वे में आपको समझा दिया, ये आप लोग आसान वे में इसको समझ लिए होंगे। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आए और आपको याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर JEE मेंस में या नीट में आते हैं, सो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिएगा ये कौन सा फ्लोराइड यहाँ पे है, जनरली रूबिडियम और सीजियम आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि HCF6 यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, लेविस एसिड के जैसा। और भी कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपको दिख जाए, जैसे कि ऑस्मियम, जर्मेनियम, BF3, जैसे कि ब्रोन, बोरोन, ये सब आपको दिख जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये इस बार वर्क क्या करेगा, लेविस बेस जैसा। ठीक है, और ये केस में तो सिंपल आप लोग समझ ही जाए, चाहे कुछ भी हो आप लोग तो समझ जाएंगे कि ये लेविस बेस जैसा ही वर्क कर रहा है, क्योंकि ये तो सिंपल केवल लेविस बेस जैसा ही वर्क करता है, लेविस एसिड जैसा तो वर्क नहीं करता है, यही एकमात्र लेविस एसिड जैसा काम करता है। सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हम लोग स्ट्रक्चर की ओर, समझते हैं ज़ेनन के
कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कितने स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन में बताऊंगा, और फिर ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, शेप क्या होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, बॉन्ड एंगल सब कुछ। सो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए तो समझते हैं स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ज़ेनन कंपाउंड, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं ज़ेनन कंपाउंड के, और हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, जो कि आप लोगों को शायद आता होगा, नहीं आता होगा तो देख लीजिए। ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग स्ट्रक्चर देख के प्रिडिक्ट कर लेते हैं, बट कितने स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कीजिएगा उतना स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि देखिए हर का तो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, आप लोग नहीं बना पाइएगा। बट बिना स्ट्रक्चर बनाए हुए कैसे प्रिडिक्ट करते हाइब्रिडाइजेशन को, उसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। सो आप लोग देख लीजिए क्या है शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए यही फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कीजिएगा, सिंपल, एक बार में आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। मैं अप्लाई भी करूँगा सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला, सो आप लोग देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर से भी मैं बताऊंगा, साथ में मैं फॉर्मूला मेथड से भी बताऊंगा। हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, यही आपका फॉर्मूला है, और इसमें आपको समझना है कि वी क्या है, एम क्या है, सी क्या है, ए क्या है, तो समझते हैं। तो वेयर वी बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही आपका भी होगा। और देखिए भी समझ गए, एम क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम लिंक्ड विथ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से तुम्हारा लिंक होना चाहिए, वही आपका एम होगा, यानी मोनोवैलेंट एटम होगा। मोनोवैलेंट एटम आप लोग समझते हैं, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका वन हो, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, लाइक लिख दे रहे हैं हम लोग, लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ETC का यही है, ठीक है। मोनोवैलेंट समझ गए, जैसे कि आपको बोल दिया बाईवैलेंट, बाईवैलेंट क्या होता है, ऑक्सीजन आपका बाईवैलेंट होता है, सल्फर बाईवैलेंट होता है, सी क्या हो गया, चार्ज ऑफ केटायन, ठीक है। मान लीजिए कोई भी क्या बोलते हैं कंपाउंड दिया, उस पर चार्ज दे दिया, ठीक है, यानी आयन के फॉर्म में दे दिया, उस पर चार्ज दे दिया, मान लो प्लस टू, तो वहाँ पे प्लस टू लिख देंगे, मान लो माइनस टू लिख दिया तो एनायन हो जाएगा, चार्ज ऑफ एनायन, ठीक है। इसी की बता दे रहा हूँ, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ इसको, पहले यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, वी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, एम क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट यानी एक, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, वो भी लिंक किससे हो, सेंट्रल एटम से आपका लिंक होना चाहिए, लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सी क्या है, यहाँ पे चार्ज ऑन केटायन, और ए क्या है, चार्ज ऑफ एनायन, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। इस पर आपको मैक्सिमम कंपाउंड का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल ही लीजिएगा इस फॉर्मूला से, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उसका आप लोग इस फॉर्मूला से नहीं निकाल पाओगे, बट मैक्सिमम केसेस में आप लोग निकाल लोगे
इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे, मैक्सिमम केसेस में आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल लेगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल आपसे मान लो पूछ दिया NH3 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, यानी सेंट्रल एटम आपको पहले प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम प्रिडिक्ट करने का आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ, जो तुम्हारा लिस्ट नंबर हो, यानी कि देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, दो गो है, इसमें से लिस्ट नंबर किसका है, नाइट्रोजन का लिस्ट नंबर इन द सेंस हाइड्रोजन कितना है, 3 है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो ये दोनों में कम कौन है, ये है, डेट्स वाई ये तुम्हारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। लिस्ट नंबर मीन्स यही होता है, जो कम नंबर हो, नाइट्रोजन एक ही को है, हाइड्रोजन आपका 3 है, तो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। ऐसे भी सेंट्रल एटम आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि BF3 में फ्लोरीन कितना है, 3 है, और बोरोन कितना, 1 है, डैट्स वाई बोरोन आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में अप्लाई हो जाता है, जैसे कि देखिए सेंट्रल एटम ये है तो फॉर्मूला ये लगाते हैं, ठीक है, तो हाफ इनटू, अब बताइए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 और 5, तो यानी 5 हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर 30 तक आप लोग याद कर लीजिए, तभी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन हो या कहीं भी आप लोगों को एटॉमिक नंबर मदद करेगा, तो 30 तक आप लोग एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए कम से कम। तो नाइट्रोजन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 5। अब बताइए प्लस क्या है, मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम लिंक्ड विद सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम से लिंक्ड है, कौन मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है ना भाई, एक एक एटॉमिक नंबर होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही ना हुआ, ठीक है, तो इसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। कितना मोनोवैलेंट है, यानी कितना नंबर है मोनोवैलेंट का, 3 है, तो 5 + 3, ठीक है। अब बताइए केटायन है, नहीं है, चार्ज तो है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, निगेटिव चार्ज है नहीं, तो चार्ज और केटायन और एनायन का क्या हो जाएगा, 0 + 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 8/2 कितना हो गया, 4। चार को क्या बोलते हैं, sp3। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, मैंने sp3 कैसे लिख दिया, कैसे मैंने बोल दिया कि sp3 है, तो देखिए इसको बताने का एक तरीका है, जैसे कि देखिए इसमें तो आपको पता होना चाहिए, एक ब्रैकेट होता है p में तुम्हारा, एक 3 ब्रैकेट होता है, d में कितना ब्रैकेट होता है, 5, ठीक है, 5 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एस हो गया, ये पी हो गया, और ये डी हो गया। तो देखिए 4 मीन्स क्या होगा, फर्स्ट 4 और वाइटल आप लोगों को देखने हैं, फर्स्ट 4 और वाइटल, ये खंधा में आप लोगों को देखना है, ये जो ब्रैकेट है ये सारे क्या है, और वाइटल है, ठीक है, तो फर्स्ट 4 मीन्स क्या होगा, फर्स्ट 4 और वाइटल देखने हैं, तो एक और वाइटल ये है, 2 3 4, तो S का एक ब्रैकेट, ठीक है, तो S, P का कितना ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट, तो P3। मान लो तुम्हारा D भी एक आ जाता, मान लो 5 आता, यहाँ पे 5 आता इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, 5 आता हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको फर्स्ट 5 और वाइटल लेने हैं, तो S, फिर उसके बाद देखना कितना है, P का 3, ये तो ऑक्यूपाई कर जाएगा, तो P3 और ये एक ब्रैकेट, तो sp3d हो जाएगा, ऐसे करते हैं प्रिडिक्ट। मान लो 6 रहता तो फर्स्ट 6 और वाइटल देखते हैं, तो फर्स्ट 6 और वाइटल में क्या क्या ऑक्यूपाई होगा, ये S का एक ब्रैकेट ऑक्यूपाई होगा, तो S हो गया, P का कितना ऑक्यूपाई होता, 3 होता, तो sp3 हो गया, और D का कितना ऑक्यूपाई होगा, 2 ही ना, 5 में से कितना ऑक्यूपाई हो सकता है, 2 और वाइटल ऑक्यूपाई होगा, तो sp3d2, तो 6 का क्या हो जाएगा, sp3d2, समझ गए, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, तो ज़्यादातर आपको समझ में आएगा, जब हम लोग जेनन के कंपाउंड में बनाऊंगा ना, तब आपको ये सब ब्रैकेट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और वाइटल समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को कुछ कुछ तो आइडिया लग गया होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ऐसे इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था, आप लोग शायद पढ़े होंगे, आप लोग तो 12 में हैं, तो 11th वाला तो कंसेप्ट पढ़े ही होंगे आप लोग, तो ये 11th का कंसेप्ट है, वो भी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े होते हैं। चलिए ऐसे नोट डाउन कर दीजिए, आप लोगों को शायद रिवीजन हो गया होगा,
तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए तो हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो समझ गया, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी मैं अप्लाई करूँगा, जितना भी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा उसमें सारे में मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊँगा। बट पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर सारे में सारे समझाता हूँ मैं। जैसे कि पहले एसपी को हम लोग बोलते हैं लीनियर, यानी इसका ज्योमेट्री होता है लीनियर, ठीक है। sp2 यानी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर होता है लीनियर। sp2 क्या, यानी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। sp2 को हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। sp3 को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। sp3 को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, जबकि sp3d को बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और रहा बात sp3d2 को, sp3d2 को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एसपी को बोलते हैं लिनियर, sp2 को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, sp3d को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और sp3d2 को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ज्योमेट्री है, ठीक है। और एक होता है शेप, ज्योमेट्री और शेप में बहुत अंतर है। देखिए ज्योमेट्री तो आप लोग जैसे कि मान लीजिए इसका आया, जैसे कि NH3 का आया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 मीन्स क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। बट शेप कैसे पता करते हैं, शेप में जो होता है ना लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लोन पेयर को छिपा देते हैं, बाकी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना वही आपका शेप हो जाएगा, समझ गए। जैसे कि NH3 में आपको एक लोन पेयर दिखेगा, NH3 का क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ, पाँच होता है तो 3 तो तुम्हारा हाइड्रोजन खा गया, यानी 3 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन खा गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो लोन पेयर में एक्ट होने लगेगा। तो ये देखिए ज्योमेट्री तो आपका इसका क्या हो रहा है, ज्योमेट्री तो एसपी यानी 1 2 3 कितना हो, sp3 था ना, तो sp3 को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ज्योमेट्री तो आपका टेट्राहेड्रल आएगा, ठीक है, नो डाउट। ज्योमेट्री में जो है ये आप लोग रट्टा मार दीजिए, ज्योमेट्री में कोई लोचा नहीं है, ज्योमेट्री में आपको कोई लोचा नहीं है, तो ज्योमेट्री आपका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। बट शेप आपसे पूछेगा तो शेप में एक कंसेप्ट आप लोग एडअप कर लीजिएगा, शेप में जो होता है हम लोग इसको छिपा देते हैं, यानी लोन पेयर को हम लोग छिपा देते हैं, तो लोन पेयर को छिपा रहे हैं तो क्या शेप दिख रहा है आपको, प्लेनर दिख रहा है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा शेप इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये होता है शेप में आपको ये छिपा देना होता है, बट जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री तो वही होगा जो जैसे कि मैंने लिखवाया है, sp3 का ज्योमेट्री यही होगा, जब शेप करेंगे तो उसका जो होता है ना ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, स्ट्रक्चर ये तो छिप गया, ऐसे तो आपको देखिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, जब शेप की बात आएगी तो उसमें आप लोग लोन पेयर छिपा दीजिएगा, लोन पेयर छिपाइएगा, जैसा आपको दिख रहा है वही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को समझाऊंगा इशारे में, XCF2, XCF4, XCF6, उसका ऑक्सीफ्लोराइड बताऊंगा, फिर ऑक्साइड बताऊंगा, जेनन का सबका मैं बताऊंगा, उसमें और अच्छी तरह से आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे समझ लीजिए किसी भी स्ट्रक्चर का ज्योमेट्री आपको पता करना होता है, शेप पता करना होता है, ज्योमेट्री पता करना आसान है, सिंपल आप लोग ये रट्टा मार लीजिए और कुछ नहीं करना है, ज्योमेट्री में आपको सिंपल ये रट्टा मार लेना है, ज्योमेट्री सिंपल sp लीनियर हो जाता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, जहाँ sp2 आपको दिख गया बोल दीजिए आकमन करके ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, ऐसा बोल दीजिए। बट शेप की जहाँ बात आएगी वहाँ लोन पेयर छिपा के आप लोग चेक कीजिएगा कैसा शेप आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो शेप में आप लोगों को सोचना पड़ता है।
ठीक है। ऐसे इसका बॉन्ड एंगल भी पूछता है, बॉन्ड एंगल शायद 104 होता है, 104 डिग्री होता है इसका बॉन्ड एंगल। तो ज्योमेट्री पता हो जाएगा, शेप पता हो जाएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर, ये सब के सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने थे, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ अभी। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन हम समझते हैं XCF2 XCF4 इस सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। जैसे कि पहला जेनन कंपाउंड क्या होता है, जेनन डाइफ्लोराइड, इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो पहले आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन जैसे ही निकालेंगे आपके माइंड में स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। सिंपल पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, जैसे कि मैंने सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि मैंने सिखाया था, आप लोग समझिए, हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है, यही है, यही है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू वी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कोई भी नोबेल गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 होता है। जैसे कि नियोन का ही देख लीजिए, तो नियोन का 8 होगा तो जेनन का भी 8 होगा, क्योंकि वही ग्रुप 18 एलिमेंट है। ग्रुप 18 एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, 2 8 8 8 आया ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही होता है, ठीक है। और देखिए मोनोवैलेंट एटम कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। और कैटायन एनायन तो है नहीं, 0, उसको हटा दो तो क्या हो गया, 8 2 10 यानी 5। 5 मीन्स क्या हो जाएगा, 5 मीन्स ऑर्बिटल, कौन ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होगा बताइए। ये ऑर्बिटल आप लोग बना लीजिएगा, एस में एक खन्ना हो, एक ब्रैकेट होता है, पी में 3 ब्रैकेट होता है, डी में 5 ब्रैकेट होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 मीन्स क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका 5 है, 5 मीन्स फर्स्ट 5 ऑर्बिटल आपको फिल करने होंगे। तो फर्स्ट 5 ऑर्बिटल कौन होगा, ये 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 होगा ना, ये एस हो गया, ये पी हो गया, और ये डी हो गया। फर्स्ट 5 ऑर्बिटल, एक तो एस के खा गए, पी के 3 ऑर्बिटल खा गए, तो 3 1 4 हुआ, एक और चाहिए, तो डी का 1 ले लिए, तो क्या हो गया, 5 मीन्स sp3d, यही ना हुआ, 5 मीन्स आपको दिख रहा ना, p3 d1 4 और s1 5, तो 5 हो गया। तो s के कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल खाएगा, p के कितने ऑर्बिटल, 3, d के कितने ऑर्बिटल, 1, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। 5 मीन्स होता है sp3 d, तो ज्योमेट्री इसका क्या होगा बताइए। ज्योमेट्री तो आप लोगों को याद हो गया होगा, sp का क्या होता है, लीनियर, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3 d का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, sp3 d2 का ऑक्टाहेड्रल। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। बट शेप पता करने के लिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे, शेप पता करने के लिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे, क्योंकि देखना होगा कितना लोन पेयर है, लोन पेयर को तो छिपाना होगा ना भाई, तो कैसे करेंगे इसको। तो सिंपल आप लोग जानते होंगे, देखिए जेनन पास कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 होता है, ठीक है। तो 2 तो तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खा जाएगा, यानी 2 बॉन्ड फ्लोरीन से कनेक्ट हो जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन खा जाएगा, बचा कितना, 6, यानी कि 6 मीन्स कितना, 3 लोन पेयर आपको लगाने होंगे, 3 लोन पेयर बचा ना, लोन पेयर समझते हैं ना, एक लोन पेयर बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 लोन पेयर बराबर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो फ्लोरीन खा गया, 2 तुम्हारा फ्लोरीन खा गया, तो बचा कितना, 6, तो 6 मीन्स कितना, 3 लोन पेयर लगाने होंगे। तो देखिए क्या आपका स्ट्रक्चर कुछ यूं दिखेगा, देखिए क्यों यूं दिखेगा, XC, और ये देखिए फ्लोरीन मैंने यहाँ लगा दिया, और ये फ्लोरीन मैं ऊपर एक लगा दिया, ठीक है, 2 फ्लोरीन हो गए, को डाउट, 2 फ्लोरीन यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये ने खा लिया, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये खाया और 1 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन खा गया, बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे,
यानी एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, ये कितना हो गया, दो दो चार, दो छः, दो आठ, आठ को हो गया खुश। तो इसको आप लोग ऐसे थोड़ा कर लीजिए, अच्छा दिखेगा, ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखना चाहिए, ऐसे कर लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको सिंपल मैं यूं लिख दूं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। बट आपको देखिए ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल दिख रहा है, देखिए ट्राइगोनल है और पिरामिड क्या है, एक पिरामिड और दो पिरामिड, यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। देखिए एक पिरामिड ऐसे बनेगा और एक पिरामिड ऐसे बनेगा, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, ठीक है। बट शेप में क्या होगा, ये सब कुछ आप छिपा दीजिए, सब कुछ आप छिपा दीजिएगा तो सिंपल क्या बचेगा, लीनियर, यानी लीनियर शेप आपको दिख रहा है, सिंपल क्या बचेगा बताइए, जब लोन पेयर आप लोग छिपा दीजिएगा तो यही ना बचेगा, बोलिए यही ना बचेगा, सीधे लंबा लंबा सा, लंबा सा का क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर शेप। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर, लीनियर, ठीक है, शेप लीनियर होगा। और बॉन्ड एंगल देखिए, बॉन्ड एंगल तो आप लोगों को पता चल गया 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल, एंगल देख लीजिए, एंगल आपको 180 डिग्री नहीं दिख रहा है, ठीक है, शेप आपका लीनियर हो गया, ज्योमेट्री आपका क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही स्ट्रक्चर होगा, तो जेनन F2 का ये स्ट्रक्चर होगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं जेनन F4 की, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, जेनन F4 का हमको देखना है। तो देखिए जेनन F4 का कैसे बनाएंगे, सिंपल आपको तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकालने तो आइए गया होगा, जल्दी से मैं निकाल दे रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, यही होगा। और वी कितना है, आठ, मोनोवेलेंट एटम कितना है, अब चार हो गया, यानी जेनन टेट्राफोलराइड है, चार हो गया, ये सब क्या हो गया, जीरो, ये जीरो, तो कितना हो गया, आठ चार दस, दस बाई दो कितना हो गया, पाँच, आठ चार बारह, सॉरी आठ चार बारह बाई टू कितना हो गया, छः ना, यानी छः, छः मीन्स क्या हो गया, sp3d2, यही ना होगा, छः मीन्स sp3d2, छः मीन्स कितना हुआ, sp3d2, छः, छः मीन्स फर्स्ट सिक्स ऑर्बिटल आपको देखने हैं, फर्स्ट सिक्स ऑर्बिटल यानी s1 ऑक्यूपाई होगा, p3 ऑक्यूपाई होगा और d2 ऑक्यूपाई होगा। देखिए ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हुआ, हो गया ना, छः ऑक्यूपाई। तो देखना है फर्स्ट सिक्स ऑर्बिटल कौन है, तो फर्स्ट सिक्स ऑर्बिटल sp3d2, तो हो गया। sp3d2 मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्री क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगा। बट शेप क्या होगा, शेप के लिए तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे। sp3d2 मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, बट शेप क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी ऑक्टाहेड्रल आपका ब्रेक हो जाएगा। देखिए शेप कैसे पता करते हैं, ज्योमेट्री तो आप लोगों को पता चल गया, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री तो आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। बट शेप पता करने के लिए आपको स्ट्रक्चर देखने होंगे, तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का आसान तरीका मैं बताऊं। ये जेनन क्या है, आपको सेंट्रल, सेंटर पे रखना है, जेनन मैंने सेंटर पे रख दिया, ठीक है, जेनन मैंने सेंटर पे रख दिया, ठीक है। फ्लोरीन कितने हैं, चार, और कितना हमको चाहिए, देखिए छः है। देखिए जेनन पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आठ, ठीक है, तो चार तो फ्लोरीन खा जाएगा, यानी चार इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन खा जाएगा, बचा कितना, चार इलेक्ट्रॉन, यानी चार तुम्हारा बॉन्ड लग जाएगा, यानी फ्लोरीन उससे कनेक्ट हो जाएगा, चार तुम्हारा फ्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चार फ्लोरीन तुम्हारा कनेक्ट हो गया। अब रहा बात
चार यानी चार इलेक्ट्रॉन कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब रहा बात कितना चाहिए, अभी चार, यानी चार मीन्स तुम्हारा दो लोन पेयर लगाना जरूरी है। एक लोन पेयर यहाँ मैंने लगा दिया और एक लोन पेयर यहाँ लगा दिया, हो गया आठ। देखिए दो दो चार पाँच छ सात आठ, हो गया आठ। तो देखिए ये आपका एक और ये एक, सिंपल। तो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल शेप दिख रहा है, बट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिख रहा है, बट शेप के लिए हमको ये तो बंद कर देने होंगे। ये बंद करेंगे तो क्या दिख रहा है कि आपको कुछ यू दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर शेप में दिख रहा है, यही ना दिख रहा है। हम लोन पेयर छिपा दिए, लोन पेयर छिपा रहे हैं तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। सिंपल शेप तुम्हारा क्या आ गया, स्क्वायर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, सब 90 डिग्री तो है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो है ना आसान तरीका ये सब पता करने का, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तुरंत फट दे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। सो XCF4 भी हो गया, बढ़ते XCF6 की ओर। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, XCF6 पहले तो इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए, तो डायरेक्ट मैं निकाल दे रहा हूँ। अब लोग आप तो आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा, सो बच्चे तरीके से मैं नहीं समझाऊँगा, सिंपल मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ। हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, आठ। अब बताइए मोनोवैलेंट एटम कितना है, सिक्स है, ठीक है। माइनस जीरो प्लस जीरो तो कितना हो गया, हाफ आठ छः कितना हो गया, चौदह दो सात, यानी सात हुआ इसका। सात मीन्स sp3d3, सात मीन्स फर्स्ट सेवन और वाइटल आपको देखने हैं, तो s का एक ओकीपाई, p का तीन ओकीपाई और d का तीन ओकीपाई, तो कितना हो जाएगा sp3d3। sp3d3 मीन्स आपको अब इसका ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे। तो ज्योमेट्री इसका होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, सुनिएगा मेरी बात। sp3d3 मैंने नहीं लिखवाया था, बट आप लोग लिख लीजिए, sp3d3 को भी बोलते हैं हम लोग पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये होता है, बट शेप आपका यहाँ पे गलत, शेप आपका डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। क्योंकि देखिए लोन पेयर तो आएंगे ही आएंगे, एक लोन पेयर आएगा और सिक्स बॉन्ड पेयर आएंगे, यानी एक लोन पेयर और छः बॉन्ड पेयर आएंगे, छः यानी बॉन्ड लगेगा, यानी फ्लोरीन से कनेक्टेड होंगे छः बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन सिक्स है तो छः बॉन्ड तो फ्लोरीन से कनेक्ट होंगे। बचा कितना, एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर यानी ये तुम्हारा एक लोन पेयर बचेगा, यानी एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा और छः तुम्हारा बॉन्ड पेयर बचेंगे। तो सिंपल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। एक सी यहाँ पे एफ आएगा, फिर एफ यहाँ पे आएगा, एफ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, एक सी एफ सिक्स, ठीक है। बट एक लोन पेयर तो आपको लगाना है, तो एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, तो यही होता है आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे लोन पेयर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका शेप बनाते हैं, शेप क्या हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट किए, देन ऐसे कनेक्ट किए, देन ऐसे कनेक्ट किए, और इससे हम लोग कनेक्ट कर लें, तो ये आपका शेप इसका हो जाएगा, और ये शेप आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप इसका हो गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल यानी शेप आपका डिस्टॉर्ट हो गया, ऑक्टाहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, समझ गए यहाँ तक। तो यानी जेनन के जो तीन स्ट्रक्चर थे मैंने ड्रॉ कर दिए, अब आते हैं जेनन के ऑक्सीफ्लोराइड पे, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए तो हम लोग सीखते हैं जेनन के ऑक्सीफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो पहला जेनन का ऑक्सी फ्लोराइड क्या होता है,
XCOF2 ये होता है जेनन ऑक्सी डाईफ्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं जेनन ऑक्सी, दो फ्लोरीन है तो डाईफ्लोराइड, जेनन ऑक्सी डाईफ्लोराइड। इसका तो पहले हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आसान तरीका मैंने बता ही दिया आप लोगों को, सिंपल तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, हाफ इंटू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ठीक है, रट्टा मार जाइए आप लोग। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जेनन का, 8 होता है, ठीक है, मोनोवैलेंट कितना है, 2 है, ऑक्सीजन तो बाईवैलेंट होता है तो ऑक्सीजन के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो फ्लोरीन क्या हो गया 2, और केटाइन एनायन है नहीं कि उसको लिखूँ, तो 8 × 2 = 10, 10 / 2 कितना हो गया 5, 5, यानी क्या हो गया sp3 3 4 और d, sp3 d, 5 मीन्स यही ना होता है sp3 d, समझे ना, 5 मीन्स फर्स्ट 5 ऑर्बिटल देख लीजिए, s के 1 ऑक्यूपाई होगा, p के 3 और d का 1, sp3 d। यहाँ तक तो आप लोगों को जान समझ लेने होंगे। और रहा बात sp3 d का, क्या होता है ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो ज्योमेट्री में तो कोई लोचा नहीं है आप लोगों को, सिंपल ज्योमेट्री पता हो गया होगा, ज्योमेट्री क्या होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल पिरामिड शेप में रहेगा, ठीक है, बट शेप पता करने का तरीका ये है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए शेप क्या होगा। तो देखिए ऑक्सीजन जब भी होता है कनेक्टेड डबली बॉन्डेड से कनेक्ट होता है, कभी भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट नहीं होता, ये आपको एक ट्रिक अपनाने होंगे, ऑक्सीजन जब भी कनेक्ट होता है डबली बॉन्डेड से कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है डबली बॉन्डेड से, क्योंकि उसका जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसके पास, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए 2, डैट्स वाई यू डबली बॉन्डेड से कनेक्टेड होता है, जबकि फ्लोरीन 1 बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो फ्लोरीन यहाँ पे कितना है 2 बॉन्ड, यानी 2 है फ्लोरीन तो 2 बॉन्ड से कनेक्ट होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये खा गए, और ऑक्सीजन क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन खा गए तो कितना हो गया 4, और बचा कितना, बचा कितना 4, तो बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर, तो समझ गए कितना बॉन्ड ऑक्यूपाई हो गया 4 बॉन्ड ऑक्यूपाई हो गए, 2 तो फ्लोरीन खा गया और 2 ऑक्सीजन खा गए बॉन्ड, और बच गया कितना लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे कुछ यूं दिखेंगे स्ट्रक्चर XC, ठीक है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, और रहा बात फ्लोरीन एगो अपर लगा दो एगो लोअर लगा दो, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर लगा दो, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, ठीक है, को डाउट, ये हो गया लोन पेयर, तो देखिए यही होगा स्ट्रक्चर, को डाउट, यही ना स्ट्रक्चर होगा। तो अब देखिए सेप आपको पता करना है, सेप ही ना पता करना है, तो ये देखिए हम लोन पेयर को बंद किए, तो देखिए कुछ टी सेप दिख रहा है, टी सेप ऐसे पलट दीजिए, देखिए तो टी सेप नहीं दिख रहा है, तो सेप आपका इसका आ जाएगा टी सेप, सेप इसका होगा टी सेप, सिंपल है यार, तो आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग करके आइएगा, इतना तो मैं बता दिया हूँ, अब कुछ कुछ आप लोग भी करके आइए, जैसे कि आप लोग सिंपल XCO2F2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आइएगा, ठीक है, XCO3F क्या है, XCO3F2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आइएगा, XCOF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आइएगा, इतना आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, तो जेनन का ऑक्सीफ्लोराइड आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इतना आप 3 स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करके आइएगा, सिंपल स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ करने सीख गए, कैसे मैं कैसे बना रहा हूँ आप लोग समझ गए, सेम यही अप्रोच आप लोग कीजिएगा तो ये स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर पाएंगे, समझे, सिंपल तरीका, ऑक्सीजन याद रखिएगा ऑलवेज डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है, डबली बॉन्डेड से कनेक्टेड होता है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ कितना बॉन्ड ऑक्यूपाई हो गया, तो देखिए 4 बॉन्ड तो ये ऑक्सीजन खा गए,
और ये दो बॉन्ड खा गए तो कितना हो गया, 6 बॉन्ड, यानी 6 बॉन्ड यूज हो गया, बचा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ये लोग खा गए, बचा कितना, 2 मतलब एक लोन पेयर, यानी 6 बॉन्ड पेयर होगा और एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, सिंपल। तो समझ गए, ये स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए सारा कुछ ऑक्यूपाई हो गया, देखिए 6 तो ये ऑक्सीजन खा गए और फ्लोरीन आपका ये 2, तो 6 2 8, यानी 8 गो यहाँ पे बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर होगा ही नहीं, लोन पेयर है ही नहीं, तो सिंपल क्या होगा, सिर्फ HCO3F2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8+2 यानी 5 sp3d, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो इसका तो शेप आप लोग याद कर लीजिए, ज्योमेट्री शेप दोनों सेम होंगे इसका। देखिए ऐसा सिचुएशन आप लोगों को दिख गया जिसमें एक भी लोन पेयर बचे नहीं, तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट करके आप लोग लिख लीजिए, इफ लोन पेयर आर अब्सेंट इन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आर अब्सेंट इन एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आप लोग ले लें, जैसे कि ये कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा है HCO3F2 अब्सेंट इन कंपाउंड, तो देन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, जो ज्योमेट्री होगा वही आपका शेप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई लोचा नहीं है, ज्योमेट्री आपका शेप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर लोन पेयर आपका अब्सेंट है, इफ लोन पेयर आर अब्सेंट इन एनी कंपाउंड, देन ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, जो ज्योमेट्री होगा वही आपका शेप होगा, जैसे कि ये एग्जाम्पल में है, देखिए 3 × 6 यानी 6 बॉन्ड ये ले लिया और ये 2 बॉन्ड, 6 × 2 = 8 बॉन्ड, यानी 8 बॉन्ड इसमें है, यानी यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं कि छिपाए हम लोग, ऐसे छिपाते थे ना, ऐसा इस किस में तो है ही नहीं, तो ज्योमेट्री और शेप तो इक्वल हो जाएंगे, बट जहाँ आप लोगों को लोन पेयर दिखा वहाँ क्या होगा, ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू शेप, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इफ लोन पेयर आर प्रेजेंट, जैसे कि हर केस में मैं देख रहा था कि लोन पेयर मैक्सिमम केसेस में प्रेजेंट ही रहता है, कुछ कुछ केसेस में जैसे कि इन एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड में अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे कि CH4 में तो लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ क्या होगा, ज्योमेट्री इक्वल टू शेप, जो टेट्राहेड्रल शेप आएगा, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगा वही अब उसका शेप हो जाएगा। बट NH3 के केस में, जैसे कि मैंने बताया था NH3 के केसेस में, NH3 में तो एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री वहाँ पे कुछ आ रहा था, शेप कुछ और आ रहा था, तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा माइंड में, इफ लोन पेयर आर प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, देन आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री नॉट इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री तुम्हारा शेप के इक्वल नहीं होगा, ये आप लोग माइंड में लेकर चलिएगा, ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका तो शेप आया था T शेप, ठीक है। और ये आप 3 क्वेश्चन करके आइएगा, तो बढ़ते हैं हम लोग जेनन ऑक्साइड की ओर, ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए तो समझते हैं जेनन O3 यानी जेनन के ऑक्साइड समझते हैं, ये क्या है, जेनन ट्राई ऑक्साइड, तो जेनन ट्राई ऑक्साइड, तो पहले इसका आपको क्या लिखना होगा, भले सॉरी इसका पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं पहले, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, सिंपल हाफ इंटू वी प्लस एम, तो हाफ वी कितना है बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, बट तुम्हारा मोनो वैलेंट एटम है, यहाँ पे तो मोनो वैलेंट एटम अब्सेंट है, तो क्या हो जाएगा 0, और केटायन एनायन भी तो अब्सेंट ही है, 0+0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल 4 मीन्स क्या होता है, sp3, 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 ही ना होगा, देखिए 4 मीन्स फर्स्ट 4 ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल, 3 का p ऑर्बिटल और d का एक ऑर्बिटल खा गया, तो sp3 हो गया, sp3 मीन्स ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल आएगा, ज्योमेट्री आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या होगा, शेप पता करने के लिए हमको स्ट्रक्चर देखना होगा,
तो सेप पता करने के लिए स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। आप लोग पहले ट्राई कीजिए, देन आफ्टर मैं तो ट्राई करूँगा ही करूँगा। चलिए सेप पता करके बताइए तो हमको, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए मैं सेप बताता हूँ, जेनन ओ थ्री का सेप क्या हो जाएगा, जेनन ओ थ्री ऑक्सीजन समझते हैं आप लोग, डबली बॉन्डेड से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, डैट्स वाई छः बॉन्ड हो जाएगा। तो छः बॉन्ड मैंने ऑक्यूपाई कर लिया, बचा कितना, कितना अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, दो, यानी दो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बचेगा, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, यानी एक लोन पेयर आपको बचेगा, ठीक है, एक लोन पेयर आपको बचेगा। छः तो बॉन्ड ये ऑक्यूपाई कर लिया, बचा कितना, दो, तो दो ये सिंपल ऊपर लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है आपको, कैसा सेप है, ट्राइगोनल पिरामिडल दिख रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो इसको हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं, और नहीं तो हम लोग सिंपल पिरामिडल बोलते हैं, सिंपल पिरामिडल भी बोल सकते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल या सिंपल आप लोग बोल सकते हैं पिरामिडल, ठीक है, यही होता है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलो या पिरामिडल बोलो। अब आते हैं हम लोग XeO4 जो कि लास्ट ऑक्साइड है, तो XeO4 को समझ लेते हैं। XeO4 तो आप लोग आई थिंक प्रिडिक्ट कर लिए होंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, XeO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए, तो XeOF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सिंपल देखिए क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 यानी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही आएगा, हाइब्रिडाइजेशन तो आपका sp3 ही आएगा, क्योंकि देखिए ये तो तुम्हारा बाईवैलेंट एटम है, यहाँ तो बाईवैलेंट एटम कोई फॉर्मूला में तो है ही नहीं, बाईवैलेंट एटम का यूज है ही नहीं, तो वो तो तुम्हारा सिंपल sp3, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा, बट ज्योमेट्री भी आपका टेट्राहेड्रल ही आएगा। सेप देखते हैं तो सेप आप लोगों को दिख रहा होगा कि सेप भी आपका टेट्राहेड्रल ही होगा, क्यों, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको लग रहा है कि जेनन ओ फोर यहाँ पर एक भी लोन पेयर बचेगा, बचेगा लोन पेयर, आप ही सोचिए, ऑक्सीजन यहाँ पर चार है, चार यानी डैट मीन्स ऑक्सीजन तो डबली बॉन्डेड से कनेक्टेड होता था, चार दूना क्या हो गया आठ, तो ये आठ बॉन्ड तो यही ऑक्यूपाई हो गया, तो आठ बॉन्ड तो यही हो गया, तो डैट मीन्स क्या हो गया, ये टेट्राहेड्रल सेप, डायरेक्ट टेट्राहेड्रल सेप है, सेप भी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल इसका होता है लगभग 109 डिग्री 28 मिनट, बॉन्ड एंगल इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यही होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है, शायद कम हो जाएगा बट एग्जैक्ट यही, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स बोल सकते, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल शेप का, ज्योमेट्री का, तो यहाँ ज्योमेट्री और शेप आपका दिख गया कि ये क्या है, इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, चार है, ऑक्सीजन चार हैं, यानी डैट मीन्स डबली बॉन्डेड से ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है, तो चार दूना क्या हो गया आठ, तो ये आठ बॉन्ड मैंने लगा दिया, आठ बॉन्ड लगा दिए तो लोन पेयर तो है ही नहीं, क्योंकि इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आठ होता है, तो आठों इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, बचा कुछ नहीं, डैट्स मीन्स लोन पेयर जीरो, लोन पेयर जीरो मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्री इक्वल टू सेप, तो यहाँ ज्योमेट्री इक्वल टू सेप हो जाएगा, यानी ज्योमेट्री तुम्हारा टेट्राहेड्रल है तो सेप भी तुम्हारा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम्हारा टेट्राहेड्रल ही होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, होप यू गाइज आज के सेशन को आप लोग इंजॉय किए होंगे। तो आपका ग्रुप 18 जो है एलिमेंट समाप्त होता है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयडो वाला जो फैमिली है जिसको हम लोग हैलोजन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट में आता है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।